वही क्लैशर्स, क्या हाल चाल सभी के। वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाउन हॉल 13 FC चैलेंज जो हुआ था उस दिन लाइव पर। फाइव बेस्ट अटैक फ्रॉम हमारे मतलब जो अपोनेंट थे, जो हामी टीम थी प्लस किंग ऑफ COC, दोनों ने मिलकर भाई हमारी अच्छे से यहाँ पर बजा दी। तो चलो देखते हैं 5 स्टार कितने बार आए, 15 स्टार कितने बार आए। तो भाई 15 स्टार, दिस इज़ अ परफेक्ट वॉर फ्रॉम टीम वॉरियर। एंड हमने यहाँ पे सिंपल अपने टीम का नाम रखा था FWC। हमारे टीम से फर्स्ट मैच में किसी का नहीं आया था 3 स्टार आई गेस, क्योंकि सब लोग यही सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं, मैंने 3 स्टार मारा था। बट मैं अपना अटैक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा अटैक उतना नहीं किया था, इलेक्ट्रो से मैंने किया था। बाकी जो इधर से अटैक हुए थे वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो मेरे बेस के ऊपर अटैक हुआ था, सभी ही ने किया था टीम वॉरियर से, जिसमें से 2 आर्चर, 2 लून प्लस 4 स्नेकीज, 4 वॉल ब्रेकर एंड 20 लून्स, 1 विजार्ड, 5 हीलर। तो QC चार्ज लावा लून यहाँ पर अटैक किया था सभी में। तो सभी ही ने कहाँ से अटैक स्टार्ट किया था, क्या किया था वो भी देखते हैं। तो फनल बनाने के लिए सभी ने यहाँ पर किंग को ड्रॉप किया है एंड फिर एक बिजार दिया है जिससे ये ले लेगा भाई। ओके, फिर सीज यहाँ पर वॉल ब्रेकर, देन किंग के पीछे वार्डन एंड आरसी इमिजिएटली डाल दिया और क्वीन चार्ज यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली क्वीन चार्ज यहाँ से जो आरसी स्केटर शॉट एंड यहाँ पर ये जो दिख रहा है टेस्ला, ये ले लेगा। एबिलिटी मार दिया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे इसका क्वीन चार्ज में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यटी निकला लॉग लांचर से और उसको हीलअप करने लगा हीलर। प्लस यहाँ पे अगर ये हेड हंटर ना ड्रॉप करता तो क्वीन का एबिलिटी आई गेस चला जाता। तो यहीं पर एक थोड़ा सा गड़बड़ था इस अटैक में, बाकी सब ठीक चल रहा है। रेजअप किया यहाँ पे आरसी को और एक फ्रीज यहाँ पे इमिजिएटली डाल दिया टाउन हॉल के ऊपर, नाइस। और सीसी एनमी सीसी से जो निकला है वो है लावा लून प्लस 1 हेड हंटर, ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर यार हमीद ने काफ़ी अच्छा अटैक किया। आई गेस हमीद की ही आईडी है सभी, हो सकती है नहीं भी हो सकती। तो आरसी ख़त्म, अब यहाँ पर सिर्फ लावा लून का काम बचा हुआ है। तो लावा लून का काम बचा हुआ है, क्वीन चार्ज अभी भी जिंदा है यहाँ पर, मतलब क्वीन जिंदा है और क्वीन का एबिलिटी भले ही चला गया बट क्वीन जिंदा है। और सिर्फ हमारे डिफेंस में बचा हुआ मेरे बेस पर सिंगल इन्फर्नो, 2 सिंगल बचा है, जो कि मल्टी अगर रहता तो शायद कुछ इफेक्टिव हो सकता था, बट मल्टी नहीं है, सिंगल है जो कि यूजलेस है लावा लून सुई के आगे। अब यहाँ से जो मेन काम शुरू होता है लावा प्लस लून का, तो एक लावा ड्रॉप किया, उसके पीछे स्केटर एंड वार्डन प्लस आर्चर टावर सब कुछ लावा को किल करने में लग गई। लेकिन जो मेन था यहाँ पर रेज, रेज का काम काफ़ी क्लोज अटैक हुआ है। ये रेजअप या क्वीन को यहाँ पर, लेकिन रेज लून पे डालता तो शायद बेटर होता, क्वीन वैसे भी वहाँ बचने वाली नहीं थी क्योंकि सिंगल ने पकड़ लिया था। यही है लावा लून में, देखो काफ़ी अच्छा अटैक हुआ, ये फर्स्ट अटैक था सभी की तरफ से टीम वॉरियर। ऐसे आपका भी वीडियो यहाँ पर आ सकता है, आपको बस करना क्या है कि आपको ऐसे FCW खेलना है। हर वीक FCW मैचेस होंगे संडे प्लस सैटरडे। ओके, तो यहाँ पे सेकंड अटैक हम देखते हैं, सुई अटैक ही होगा आई गेस बिकॉज मैंने ही दिखाया था। तो एक और अटैक देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ COC का, जय सूर्या के बेस पर किया है यहाँ पर किंग ऑफ COC ने। और ये लावा लून सुई अटैक नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक हुआ जो मैंने भी किया था सेम आर्मी से। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रो, 1 बेबी ड्रैगन, 10 लून एंड किंग 67 लेवल, क्वीन मैक्स लेवल, वार्डन 50 लेवल मैक्स एंड रॉयल चैम्पियन यहाँ पे मैक्स लेवल का है, जिसमें जो कॉम्बो है स्पेल का 3 रेज है नॉर्मल प्लस यहाँ पे 4 फ्रीज, 1 पॉइजन एंड CC स्पेल में यहाँ पे रेज अप लिया है। तो यहाँ पर जो प्लान था सिंपल टाउन हॉल को टेक डाउन करना था लून से। वाओ क्या बात है यार, तो नैरो निकला बट स्टिल यहाँ पे सर्वाइव कर गया लून टाउन हॉल को टेक डाउन करने के लिए। लेकिन काफ़ी तगड़ा यहाँ पे बेस सेटिंग था यहाँ पर टोर्नेडो का, साइड से जाते साइड टोर्नेडो ना निकलता है, इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल अगर जाएंगे तो टोर्नेडो तो निकलेगा ही।
अब यहाँ से जो काम होने वाला है सभी को पता है, इलेक्ट्रो को किसी तरह फनल बना के अंदर भेजो। बाकी वहाँ पे रेजर पेंट एबिलिटी परफेक्ट होना चाहिए जिससे आपको मल्टीपल शॉट में इलेक्ट्रो डैगन अच्छा डैमेज दे सके अपोनेंट डिफेंस को। तो यहाँ पे एक एयर डिफेंस काफ़ी दिक्कत दे रहा है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रो? चलो ठीक है, ख़त्म। ये बेस भी ओवर। इसके बाद एक और अटैक देखेंगे। एक अटैक हमने पहला देखा लावा लून क्विसी चार्ज, और दूसरा अटैक देखना हमने इलेक्ट्रो से। बढ़िया, अभी आरसी स्वैग किया क्या? नाइस, आरसी स्वैग कर दिया यहाँ पे, क्या बात है। चलो एक अटैक और देखते हैं यहाँ पर हम। अनु शर्मा, योगेश ने अटैक किया यहाँ पर। चलो योगेश ने अटैक किया यहाँ पर अनुज शर्मा के बेस के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है हाइब्रिड आर्मी। तो हम लोग अलग अलग FCW का आर्मी देख रहे हैं। लावालून सुई अटैक नहीं हुआ है यहाँ पर। पहला हमने देखा लावालून सुई अटैक, और दूसरा अटैक यहाँ पे हाइब्रिड आर्मी से है। तो बेसिकली यहाँ से जो प्लान लग रहा है क्वीन चार से, यहाँ पर ये पूरा कंपार्टमेंट खाएंगे भाई। दिस ये कंपार्टमेंट क्वीन चार से, देन उसके बाद मैं अगर अपने हिसाब से देखूँ तो ईगल की तरफ से तो नहीं जाने वाला। यहाँ से यही सिंपल है कि क्लैन कासल के जो ट्रूप्स हैं उसको किल करो, टाउन हॉल को लो। तो निकल गया है यहाँ पर सुपर लावा, तो भैया यहाँ पर सुपर लावा निकल गया है, आइस लावा जिसको कहते हैं। लावा सुपर होने के बाद आइस लावा में चेंज हो जाता है। परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे पॉइजन डाला है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ इफेक्टिव नहीं होगा उसका। बढ़िया, ओके, ईगल की तरफ से ही प्लान है। मुझे लगा अपोजिट ईगल के जा सकते हैं। तो यहाँ से क्रिएट होगा फनल, देन उसके बाद यहाँ से आई थिंक आर्मी स्पैम हो जाएगी। नाइस, अच्छा प्लान है। और ये किया है यहाँ पर योगेश ने, वही जो मैंने एरो दिखाया उसी तरह आर्मी जाएगी, क्योंकि तो इस टाइप का इधर से क्वीन ने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है। और इस पर ये एंटी हाइब्रिड बेस लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो काफ़ी अच्छा डैमेज देता है एंटी हाइब्रिड पर बेस जो होता है। गुड, देखो मैंने कहा था यहाँ पर आर्मी जाएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आर्मी वहीं पर गई है जो मैंने कहा था कि यहाँ से आर्मी जाएगी अंदर की तरफ। तो आर्मी गई उधर से क्वीन चार्ज से। भाई क्वीन चार्ज कितना इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिड अटैक में, देख लो, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। हील प्लस फ्रीज प्लस इनविजिबल स्वैग कर दिया है, सेमी मैक्स बेस से भी ज़्यादा मैक्स है ये बेस, क्या बात है भाई, इतना ज़्यादा कुछ स्वैग, पूरा हील फ्रीज इनविजिबल स्वैग मार दिया यहाँ पर योगेश। बेस्ट अटैक है ये हाइब्रिड अटैक का। इस अटैक से देख सकते हो आपको कि क्वीन चार्ज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हाइब्रिड में क्वीन चार्ज फेल तो 2 स्टार तो आप इजीली गेन कर लोगे, लेकिन 3 स्टार करने के लिए आपको क्वीन चार्ज पर फोकस करना है। तो कैसे क्वीन चार्ज हुआ, तो एक और अटैक देख लेते हैं यार। अब यहाँ पे किंग ऑफ क्यूसी का देख लिया, किंग ऑफ क्यूसी ने दोनों अटैक जयसूर्या के ऊपर प्लस एक यहाँ पे BFF एंड इसको सभी ने किया है। तो सभी का अटैक हम देख चुके हैं, आई थिंक 2 अटैक ऑन हो गया था, दैट्स व्हाई इन्होंने ऐसा किया। तो ये रहा था भाई FCW का चैलेंज टीम वॉरियर की तरफ से, जो हम लोग हार गए थे, दोनों मैच हम लोग हारे थे। दिखाते हैं यहाँ पर, पहला 10-13 हुआ था, इस बार इन्होंने परफेक्ट खेला, नाइस गेम प्ले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। FCW खेलेंगे सैटरडे संडे, बाय बाय।